जी बस दो ही फलांग है, एक मिनट रास्ता, एक सेकंड रास्ता है, जहाँ ठेला लगा हुआ है जी, ये सरजू धारा है, ये पूरे सरजू धारा ही मानते हैं। जब प्रभु श्री रामचंद्र जी यहाँ बैठे थे तो रामचंद्र जी रोने लगे, जब प्रभु रोने लगे तो सरजू माता अयोध्या से आकर के यहाँ पे बहने लगी। इतने दयालु हमारे प्रभु श्री राम जी रो रहे हैं, उनको याद आ गई कौशल्या माता सुमित्रा के कही, और पिताजी दशरथ जी का शरीर छूट गया, इस सब दुख का सुनते हुए हमें 14 वर्ष में बंद काट रहे हैं, भरतपुर राज सब देखते हुए उनकी आंखें में आंसू। अब भरत शाही दिव्य पुरुष पूरे भारतवर्ष में भरत नहीं मिले कि भैया राज छोड़ के चले गए, हम राज्य करें, ये सब छोड़ते हुए भरत जी भी आकर के पिताजी का संस्कार किए, और भी गुरु के माध्यम से, और गुरु के माध्यम संस्कार करते हुए यहाँ पहुँचे। आइए सरजू धारा का दर्शन करें जी, सरजू धारा सब लोग प्रणाम करते हुए आइए, सरजू धारा में जहाँ प्रणाम किया जाता है, बोलो सरजू धारा की जय, सब लोग जय कहते हैं, बोले बोलो सरजू धारा की जय, श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। सरजू धारा को प्रणाम करते हुए आइए सब लोग मिलकर के, जितने भक्त हैं दो मिनट कीर्तन करें भगवान नाम। महाराज जी ये धागे वागे क्यों बांधे जाते हैं, कुछ बताएंगे क्या इसके बारे में? धागे इसलिए बांधे जाते हैं कि जो मनोकामना आपका हो कि हनुमान जी हमें नौकरी मिल जाए, हमें भक्ति मिल जाए, हमें हमारा घर आगे बढ़े, और जो जिस भाव से धागा बांधते हैं ये सरजू धारा है, उसको उस तरह को भक्ति मिलती है। तो ये इतने सारे भक्तों के बांधे हुए हैं? हाँ, जितने भक्त हैं इनमें अनंत भक्त हैं, ये दिल्ली बंबई कलकत्ता सीधी रीवा सतना शहडोल जितने भारतवर्ष के हैं, हर लोग आते हैं और धागा बांधते हैं, और बांध करके जो जिस रूप भक्ति रूप में मांगते हैं उसको उस रूप में मिलता है। और महाराज जी यहाँ पे पत्थर का भी कुछ बनाते हैं क्या, पत्थर रखे हैं? ये पत्थर जो धरते हैं ना, अच्छा, ये घर में किसी प्रकार का घर में खटपीट ना हो, घर में शांति मिले, और हम अपने कामतानाथ जी से स्वयं प्रार्थना करते हैं, कामतानाथ जी आपका आज से मैं पत्थर धर रहा हूँ, आज से गलत कदम नहीं उठाएंगे, जो कदम उठाएंगे सत्य उठाएंगे, यहाँ से कह कर जाते हैं, हो सकता है गलत कदम उठाएं फिर कई प्रकार की बाधाएं आती हैं तो उसको भूल जाते हैं कि हम वहाँ तो पत्थर धर के कदम प्रणाम किए हैं कि आज से गलत कदम नहीं उठाएंगे, और यहाँ जो है पत्थर धर करके फिर गलत कदम उठाएं। मान ली हो सकता है ड्यूटी करते हों, अब यहाँ पसरा धरे वहाँ ड्यूटी में जा करके गलत काम कर रहे हैं, घोस ले रहे हैं, तो उसका भी प्रभाव पड़ता है जी। तो हम ऐसा कदम रखेंगे जिससे हमें आगे चल के हमें कष्ट ना हो, हमारे परिवार सब सुख रहें, हमारे आनंद रहें। तो आइए दो मिनट सरजू धारा में कीर्तन करते हुए सबको आनंद दें, सब लोग कीर्तन गाएं हमारे महाराज जी। महाराज जी लोग कुछ ये कहते हैं कि पत्थर के वो रखने से मकान के लिए लोग मन्नत मानते हैं, मान जो जिस भाव से मानते हैं, लेकिन मेन यही है घर में शांति, मेन सब है कि हमारे अपने शरीर में जो पांच तत्व शरीर बना हुआ है जिससे शांति मिले। आइए हमारे आचार्य जी भी एक दो मिनट कीर्तन करें, और पहले आचार्य जी सो जाए दो मिनट, ये यूट्यूब चालू है, आप अपना परिचय दीजिए, हमारे बारे में कुछ बताइए, कुछ सीताराम महाराज जी। महाराज जी आप यहीं से हैं? जी महाराज जी। आपका शुभ नाम? संजीव दीक्षित। अच्छा, तो महाराज जी को आप कब से जानते हैं, कब से परिक्रमा लगा रहे हैं, कुछ बताएंगे क्या? महाराज जी को तो हम काफी समय से जानते हैं। अच्छा, और महाराज जी कामतगिरि जी भगवान के पर्वत के जो परिक्रमा लगाते ही रहते हैं, और इनका केवल एक ही काम है, नाम संकीर्तनम यश सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समन तम नमामि हरिम परम। परमात्मा के नाम से ही भगवान का नाम जो है वो जीव का कल्याण करता है, और उससे हर प्रकार के पाप ताप और संताप का नाश होता है। जीव के जन्म जन्मांतर के जो युग युगांतर के काल कालांतर के जो पाप हैं वो केवल नाम से ही कटते हैं, और महाराज जी का सिर्फ एक ही काम है, नाम संकीर्तन, खुद भी करते हैं और जन जन में इसको फैलाते हैं। महाराज जी को हनुमान जी नचाते हैं सुने हैं? हाँ, महाराज जी को हनुमान जी नचाते हैं, कामतानाथ जी नचाते हैं, और वो स्वयं भी इनके साथ नाम संकीर्तन का आनंद लेते हैं जी, क्योंकि यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम, वाल्मीकि रामायण में लिखा हुआ है कि जहाँ जहाँ रघुनाथ जी का कीर्तन होता है वहाँ वहाँ पर रघुनाथ जी के कीर्तन में हनुमान जी आते हैं, और आकर के जो है स्वयं भी नाचते हैं, और जन जन को जो है अन्न से धन से फल से हर चीज से उसको परिपूर्ण करते हैं, उसकी मनोकामना को धर्म अर्थ काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थ दे देते हैं जी, क्योंकि उनका काम है केवल भगवान का नाम को सुनना, कथा को सुनना। संजीव जी को बार बार धन्यवाद जो कि हमारे बारे में बताएं, उनको बार बार धन्यवाद, और हमारे आप व्यास भी हैं आचार में हैं, और भगवान को भक्ति दें, इस सरजू धारा में हम सब मिल करके आचार संत भी हैं, जो मेरा अपने नाम कीर्तन करें, यूट्यूब चालू है, इसको भगवान आगे बढ़ाएं, हमारे पंडित जी भी आ जाएं कीर्तन में शामिल हो जाएं, भगवान को खूब भक्ति दें, जहाँ ब्राह्मण संत रहें आचार्य रहें वही सब कीर्तन है, आइए कीर्तन करें, सबको भक्ति मिले,
श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम अवध के करियो सीताराम अवध के करियो सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम रघुपति राघव राजा राम रघुपति राघव राजा राम पति के पावन सीताराम पति के पावन सीताराम सीताराम राधे श्याम सीताराम राधे श्याम तपोभूम में बैठे हो तपोभूम में बैठे हो तपोभूम में नाच रहे हो तपोभूम में नाच रहे हो तपोभूम में कीर्तन हरे तपोभूम में कीर्तन हरे हरे राम की कीर्तन कर लो हरे राम की कीर्तन कर लो भोले की नगरी भोले का धाम भोले की नगरी भोले का धाम जी को बार बार धन्यवाद जो कि हमारे बारे में बताएं। संजीव जी बड़े सरल बड़े स्वभाव बड़े अच्छे हैं, कहीं मिलते दौड़ करके प्रणाम। एक बार तो चरण भी छुए, हमने कहा नहीं आप फिर भी छूते हैं। इनके भाई से भी मुलाकात हुई, इनके दादाजी बड़े अच्छे लगे। भगवान खूब भक्ति दें, जो भगवान का कीर्तन करें वही आनंद है। और ब्याज जी मिलते हैं बड़ा अच्छा लगता है। और इसलिए जी को धन्यवाद जो तुम्हारे भक्त हैं, सबको नाम तो नहीं जानते, सबको बार बार धन्यवाद। अंत में यही कहेंगे हम कि भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार नाशम विधाय हि ततो दयते विवेकः। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन, बहुजन्म समर्जितेन भाग्योदयेन, ऐसे संतों के दर्शन तभी होते हैं जब हमारे जन्म जन्मांतर के पुण्योदय होते हैं, तब महाराज जी के दर्शन होते हैं। और महाराज जी के दर्शन से हमारे पाप ताप संताप नष्ट हो जाते हैं। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन और सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै, तभी इनका सत्संग प्राप्त होता है, संत संग प्राप्त होता है। हमारे महाराज जी, महाराज जी का नाम सुदामा दास जी है, ब्राह्मण शरीर है। दिन भर परिक्रमा लगाते हैं, कम से कम 7 परिक्रमा इनका पर डे का नियम है, वही नाच गाने के साथ बड़ी मेहनत और लगन के साथ परिक्रमा करते हैं। जी जी, जैसा एक संत को चाहिए, किसी अच्छी सर्विस में भी थे जी, उसको रिजाइन करके आए हैं त्याग होने के कारण। कामतानाथ की प्रभाव जागृत हुआ, साधु वेश में आ गए। अन्नी जी को बार बार धन्यवाद जो कि हमारे बारे में नाम तो नहीं जानते थे, लेकिन पहले की प्रणाम एक दो बार पैर भी हमने कहा नहीं, या पिता समान है पैर छूते थे, अभी फिर भी हमने कहा ठीक ठीक कि हाथ पकड़ लेते हैं। भाव इनका बड़ा अच्छा है और दौड़ के प्रणाम करते हैं, तो भगवान से प्रार्थना करते हैं जितने हमारे खोए के ब्राह्मण हैं सब अच्छे हैं, एक से बढ़कर एक। तभी तो नवलेश के पिताजी भी दौड़ के प्रणाम करते हैं।
तो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जितने संजीव हमारे आचार्य जितने भक्तगण बैठे हैं, महाराज जी देख रहे लगता है हनुमान जी खड़े हैं, इनको लगता है साक्षात हनुमान जी आ गए, इतना जाने की भेद में प्रभु को दर्शन मिल जाए। मैं आया था वृंदावन से, मुझे महाराज जी का नृत्य बहुत अच्छा लगा। भागवत का लास्ट श्लोक है, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनोह नमामि हरि पर। भागवत शुरू होती है, जन्मांतरे भवे पुण्यम, यह जन्म जो मिला है वो हरि को प्राप्त करने के लिए मिला है, और जिन हरे हृदय भक्त नहीं आनी जीवत सब समानते प्राणी। जो मनुष्य देह पा करके भगवान का भजन नहीं करता है वो जिंदा आदमी भी मुर्दे के समान होता है। बोलो सियावर धन्यवाद जी को, अपने परीक्षित जी को, सबको दीक्षित जी को। चित्रकूट में आए हो, भोले की नगरी है, भोले की नगरी है, राम राम बोलो, श्याम श्याम बोलो, 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 राम 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 बोलो, 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 श्याम बोलो, राम बोलो, श्याम, राम श्याम में कोई नहीं है, राम श्याम में कोई नहीं है, राम श्याम का नाम जप लो, राम श्याम का नाम जप लो, जीवन अपना धन्य बना लो, जीवन अपना धन्य बना लो, जय जय राम, जय सिया राम, ताली बजा के राम राम बोलो, ताली बजा के राम राम बोलो, जीवन अपना सफल बना लो, जीवन अपना सफल बना लो, जय जय राम, जय सिया राम, हरे राम की कीर्तन कर लो, हरे राम की कीर्तन कर लो, हरे राम की माला जप लो, हरे राम की माला जप लो, यहाँ किसी का कोई नहीं है, यहाँ किसी का कोई नहीं है, झूठे नाते झूठे रिश्ते, सब कुछ प्यारे झूठे हैं, सब कुछ प्यारे झूठे हैं, हरे राम की कीर्तन कर लो, हरे राम की कीर्तन कर लो, हरे राम की माला जप लो, हरे राम की माला जप लो, जय राम, जय 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 सिया राम, जय सिया राम, जय रघुनंदन, जय सिया राम, जानकी वल्लभ सीता राम, सीता राम प्रभु सीता राम, राधे श्याम प्रभु राधे श्याम, राधे श्याम प्रभु राधे श्याम, भगवान की जय, को बार बार धन्यवाद, भगवान को भक्ति दे और सब मिलकर के कीर्तन किए, ठीक थी तरह। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, 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 जीवन अपना धन्य बना लो, जीवन अपना धन्य बना लो, दो दिन का प्रभु मेला है, यहाँ किसी का
कोई नहीं है, यहाँ किसी का कोई नहीं है। झूठे नाते झूठे रिश्ते, झूठे नाते झूठे रिश्ते। हरे राम की कीर्तन कर लो, हरे राम की कीर्तन कर लो। हरे राम की माला जप लो, हरे राम की माला जप लो। जय जय राम, जय सिया राम, जय जय राम, जय सिया राम। जय जय राम, जय सिया राम, जय जय राम, जय सिया राम। जय जय ओके ना हाँ मना कर पा था। जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम, जय सिया राम, जय जय राम, जय सिया राम, जय जय राम, जय सिया राम। जय जी आप आगे आ जाइए। जय जय राम, जय सिया राम, 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 जय सिया राम, प्रभु जय सिया राम, जय सिया राम, प्रभु जय सिया राम। इतनी सुंदर काया मिली है, इतनी सुंदर काया मिली है। हरे राम की कीर्तन कर लो, हरे राम की कीर्तन कर लो। हरे राम की माला जप लो, हरे राम की माला जप लो। साथ में भैया कुछ नहीं जाएगा, साथ में भैया कुछ नहीं जाएगा। हरे राम की कीर्तन हो, हरे राम की कीर्तन हो। हरे राम की माला हो, हरे राम की माला हो। जय जय राम, जय सिया राम, जय जय राम, जय सिया राम। बोलो जय सिया राम, 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 जय जय राम, जय सिया राम, जय जय राम, जय सिया राम। ताली बजा के राम राम बोलो, ताली बजा के राम राम बोलो, राम राम बोलो, राम राम बोलो, राम राम बोलो, राम राम बोलो। श्याम श्याम बोलो, श्याम श्याम बोलो, श्याम श्याम बोलो, श्याम श्याम बोलो। मेरे राम, 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 मेरे राम। आजा राम, आजा राम, आजा राम, राम प्रभु जय सिया राम, जय सिया राम, प्रभु जय सिया राम। ताली बजा के राम राम बोलो, ताली बजा के राम राम बोलो। जीवन अपना धन्य बना लो, जीवन अपना धन्य बनायो। ऐसा मौका नहीं मिलेगा, ऐसा मौका नहीं मिलेगा। पीछे तो पछताना है, पीछे तो पछताना है। हरे राम की कीर्तन कर लो, हरे राम की कीर्तन कर लो। हरे राम की माला जप लो, हरे राम की माला जप लो। साथ में प्यारे कुछ नहीं जाएगा, साथ में प्यारे कुछ नहीं जाएगा। गुरु चरण की सेवा कर लो, गुरु चरण की सेवा कर लो। जीवन अपना धन बना लो, जीवन अपना धन बना लो। मुट्ठी बांधे आए हो प्यारे, मुट्ठी बांधे आए हो प्यारे। हाथ पसारे जाना है, हाथ पसारे जाना है। यहाँ किसी का कोई नहीं है, यहाँ किसी का कोई नहीं है। हरे राम, 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 मेरे 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 राम। जय जय राम, जय सिया राम, जय जय राम, जय
के राम राम बोलो, ताली बजा के राम राम बोलो, 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 श्याम श्याम बोलो, श्याम श्याम बोलो, श्याम श्याम बोलो, श्याम श्याम बोलो, मेरे राम 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 मेरे राम, आजा राम आजा राम आजा राम आजा राम, मेरे राम 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 मेरे राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय सिया राम, जय सिया राम प्रभु जय सिया राम, जय सिया राम प्रभु जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, संकट मोचन कृपा निधान, संकट मोचन कृपा निधान, श्री राम जय राम जय जय राम, 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 जय सिया राम बोलो जय सिया राम, जय सिया राम बोलो जय सिया राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, जय सिया राम बोलो जय राम, श्री राम जय राम जय 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 जय राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, हा राम जय राम जय जय राम, जय सिया राम बोलो जय सिया राम, जय सिया राम जय जय राम, श्री राम जय सिया राम बोलो जय सिया राम, श्री राम जय राम जय जय राम, ये कामतगिरी है जी। और जब प्रभु श्री रामचंद्र जी जब यहाँ आए थे जी तो लोग बताते हैं कि भोले बाबा यहाँ रहते थे, यहाँ बिल्कुल घनघोर जंगल था जी। और भोले जब राम जी यहाँ जब पधारे हैं तो भोलेनाथ जी रोने लगे। अच्छा। और यहाँ राजा थे, देखो हमारे ईस्ट हमारे राम जी आ रहे हैं। और लेकिन अब यहाँ का नियम था कि जब तक भोले से आज्ञा न ले तब तक यहाँ किसी रुकने का स्थान नहीं है। तो लखनलाल जी को भेजे जाओ महाराज वहाँ पता करो, देखो भोलेनाथ जी क्या कर रहे हैं। भोलेनाथ जी जब दिखे तो वहाँ अपना एक जीवा एक शरीर पकड़ के नाच रहे थे। कहने तो बिल्कुल पागल हैं, जटाधारी होकर के शरीर जीवा पकड़ के नाचते हैं। जय कांतन। और जब भगवान का ये दिखे स्मरण किए, और कामतानाथ तो बड़े पुराने हैं मानो जो ये दिव्य हैं। हाँ जी। और इनकी जो कामतानाथ रह करके भगवान का भजन करे, भगवान का कीर्तन करे, सबसे प्रेम करे, संत ब्राह्मण सीताराम बोले, उनका कल्याण ही कल्याण है। और हमारा यही दिनचर्या, अब तुम परिक्रमा लगाएंगे चलता रहेगा 9 बजे रात तक जी तक, कभी 11 बज जाते कभी 12 बज जाते कभी 1 बज जाते, कोई समय ठिकाना जो समय समय मिला। अभी स्वामी जी फिर परिक्रमा चलती रहेगी जी, ये परिक्रमा 9 बजे तक करेंगे जी जी, 9-10 तक 9-10 मन हो गए जी, जैसे मिल गए भगत उसी तरह जो है तो चले हम। ठीक धन्यवाद स्वामी जी जी, आपको धन्यवाद। 10-11 बजे निकल पड़ते हैं और परिक्रमा लगाते हैं। और पैर थोड़ा छाला निकल गया है, थोड़ा एक मास्टर साहब से जूता पहना दिए हैं सर, मास्टर साहब जूता पहना दिए हैं। ठीक है धन्यवाद जी, धन्यवाद, भगवान आपको भक्ति दें, आपको फले फले जी जी। ठीक है महाराज जी, ठीक ठीक जी जी, आपको भी फोटो आ जाए, उनको भी आशीर्वाद दे दें, आ जाइए फोटो दे दें, तो आप पकड़ लीजिए, आप महाराज भी आ जाए, आप भी दोनों का ऐसे करें मेरी भी फोटो लीजिए जरा। ठीक है ठीक चलते हैं, आप लगाएंगे क्या परिक्रमा? चलिए ठीक, एक संजीव जी साथी ले लीजिए साथी में। अरे संजीव जी ठीक।